अगर आपको भटूरा बनाने में परेशानी होती है या फिर आपका भटूरा अच्छे से नहीं फूलता तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। मैं परफेक्ट मेजरमेंट के साथ इसका डो बनाना बताऊंगी जिससे आपका एक भी भटूरा पिचका हुआ नहीं बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाते कैसे हैं। इसके लिए मैं यहाँ 2 कप मैदा ले ली हूँ। तो गाइज इसी 2 कप मैदा के अकॉर्डिंग हम आगे का मेजरमेंट बताने वाले हैं। आधी छोटी चम्मच चीनी डाल देंगे इसमें और आधी छोटी चम्मच नमक डाल देना है। तो मैं यहाँ 2 कप मैदा का इस्तेमाल कर रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच सूजी, 2 बड़ा चम्मच दही और 2 बड़ा चम्मच ऑयल। अगर आप 3 कप मैदा ले रहे हैं तो सूजी, दही और ऑयल की क्वांटिटी आप 3-3 बड़ा चम्मच कर दें। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है भटूरे का डो बनाने के लिए। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे और बेकिंग पाउडर का आधा बेकिंग सोडा डाल देना है और इसे अच्छे से मिलाते हुए इसका डो तैयार करेंगे। तो अभी इसका चिकना डो नहीं बनाना है, बस आटे को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। तो गाइस इसमें जो मैं दही का इस्तेमाल की थी वो फ्रेश दही था, पर अगर आपकी दही थोड़ी खट्टी हो तो दही की क्वांटिटी आप थोड़ी कम कर लें। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका डो तैयार करेंगे। तो भटूरे का जो डो होता है ना वो सॉफ्ट होता है, पर बहुत ज़्यादा गीला डो भी नहीं तैयार करना है गाइस, नहीं तो आटे को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये देखिए आटे को मैं एक जगह इकट्ठा कर ली हूँ, इसे गूंथना नहीं है अभी। अब हम इसे 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तो 1 घंटा हो चुका है, अब आटे को अच्छे से मस लेंगे और इसे एकदम अच्छे से चिकना कर लेंगे। तो ये देखिए आटा हमारा चिकना हो चुका है। अब आपको जितना बड़ा भटूरा बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप बॉल ले लें और आप इसे बेल लें। तो गाइस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप बड़े साइज का भटूरा बनाते हैं तो उसे तलने के लिए ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आपका भटूरा अच्छे से फूल पाएगा। पर मैं यहाँ मीडियम साइज का भटूरा बना रही हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, ये हो चुका है। इधर हमारा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें भटूरे को डाल देंगे। तो गाइस भटूरे के लिए ऑयल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, तभी अच्छे से फूलेगी, वरना नहीं फूल पाएगी। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से गुब्बारे जैसी फूल गई। अब भी अगर मेरी छोटी छोटी टिप्स फॉलो करेंगे ना तो आपका भटूरा भी ऐसा ही फूला फूला बनेगा। और मैं आपको बता दूं कि बस एक भटूरा नहीं गाइस, मेरा सारा का सारा भटूरा ऐसा ही फूला फूला बन के रेडी हुआ था, आप देख सकते हैं इसे भी। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार मेरे तरीके से जरूर ट्राई करें। आप इस भटूरे को देख सकते हैं गाइस, इसे बने हुए 5 मिनट हो चुका है और ये अच्छे से ठंडी भी हो चुकी है और ये अभी भी फूली हुई है। आप इसके अंदर का टेक्सचर भी देख सकते हैं। तो गाइज अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाएं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें गाइज, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मेरा रेसिपी इन्जॉय करें। बाय बाय।